हाय एवरीवन, दिस इज भव्य। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो के स्पेसिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ईशान अग्रवाल को, जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशंस पॉसिबल हो पाए हैं। तो अब जाके ट्विटर पे ईशान अग्रवाल को जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम वन प्लस एट से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मिलती है एक 6.55 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले। इसमें आपको सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज के साथ 12GB रैम देखने को मिलती है। LPDDR4 रैम देखने को मिलती है, ठीक है। इससे आपको 48MP प्लस 16MP प्लस 2MP का कैमरा सेटअप मिलेगा बैक साइड में, प्लस फ्रंट कैमरा में 16MP का सेटअप देखने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें आपको 30W की रैप चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि एक फास्ट चार्जिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको IP रेटिंग नहीं मिलती है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2020 में तो मतलब अब हर फ्लैगशिप फ़ोन में IP रेटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर इनके हिसाब से IP रेटिंग नहीं है, क्योंकि फिर वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो में डिफरेंस क्या रह जाएगा, ठीक है। वन प्लस एट प्रो की तरफ हम बढ़े। सबसे पहले मैं इस पर बताया तो आपको कि आपको ग्लो, आपको ब्लैक, ये कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वन प्लस एट प्रो में आपको 6.78 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ के साथ, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले में मतलब डिस्प्ले क्वालिटी होनी ही चाहिए, मतलब इतने हर्ट्ज़ होने ही चाहिए डिस्प्ले में अगर आप कोई 50,000 के ऊपर का स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। स्नैपड्रैगन 865 सेम एज वन प्लस एट, 8GB रैम, 12GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज सेम एज वन प्लस एट, पर एक डिफरेंस है इसमें। इसमें आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलती है, जो कि एक और बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसमें LPDDR4 थी। इसमें आपको 8MP प्लस 5MP ये कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा बैक साइड में, फ्रंट कैमरा में 16MP देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको फोटोज़ बहुत अच्छी क्लिक करनी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है मेरे हिसाब से। इसमें आपको 4510mAh बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक और बहुत अच्छी चीज़ है। आपको गेमिंग करनी हो, आपको कुछ करनी हो, उसके लिए अच्छा होएगा स्मार्टफोन, ठीक है। 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 30W की सेम वायरलेस फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है, जो कि एक और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको 3W की रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि एक और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। IP68 सर्टिफिकेशन भी है इसमें, जो कि मतलब आपको कहीं स्विमिंग पूल में आप जा रहे हो या आपको कहीं फ़ोन फेंक के मारना है पानी में, तो आप फेंक के मार सकते हो, अपने दोस्त का फ़ोन हो चाहे किसी का भी फ़ोन हो, क्योंकि इसमें IP68 रेटिंग है, ठीक है। इसमें सेम कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वन प्लस एट की प्राइसिंग अभी पता नहीं कितनी है, वन प्लस एट प्रो की वन प्लस एट प्रो की प्राइसिंग 50 के ऊपर होने वाली है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वन प्लस एट की डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ की होगी और वन प्लस एट प्रो की 120 हर्ट्ज़, दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। रैम ऑप्शन उन्होंने सेम प्रोवाइड करे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर 8GB रैम भी मेरे हिसाब से बहुत है, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से अभी के टाइम के लिए भी, ठीक है। और साथ में बैटरी में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस रखा है 4300 और 4510mAh में, ठीक है। इसमें आपको और आप इसको IP रेटिंग वन प्लस एट में इन्होंने नहीं दी है, IP रेटिंग इन्होंने वन प्लस एट प्रो में दी है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है वन प्लस एट प्रो के लिए, पर वन प्लस एट में भी इनको मतलब पानी वाली रेटिंग देनी चाहिए थी, जो कि IP रेटिंग होती है, ठीक है, पर इसमें नहीं प्रोवाइड करी गई है, जो कि देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। कैमरा सेटअप बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास होने वाला है वन प्लस एट प्रो में, आपको अभी से दावा कर सकता हूँ, बेट कर सकता हूँ आपके साथ, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वन प्लस एट प्रो में, ठीक है, होने वाला है, मतलब है भी होने वाला है, क्योंकि अब तो स्मार्टफोन बन चुके होंगे जो भी है, ठीक है। और बस यही चीज़ थी मेरे को बताने के लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।